अगर साडा ये चैनल तुसी अजे तक सबसक्राइब नहीं कीता है तो इस नूं तुरंत स्क्रीन दे दिखाए अनुसार सबसक्राइब कर लो अते घंटी दे निशान नूं भी दबा दिओ ताकि जदों भी असी कोई वीडियो अपलोड करिए तां तुहानूं पता लग सके। नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डेयरी। देश विदेश के दर्शकों का इस विच स्वागत करते हैं ते शुरू करते हैं अज दा प्रोग्राम। पहला चोणवियां खबरां। आम आदमी पार्टी का दोष मुख्यमंत्री बन के हल्के नूं भुल गए कैप्टन। चंडीगढ़ ले मार्ग ते ढिगां डिगियां, सिंध दर्शन करके वापस आ रहे 700 टूरिस्ट फसे। दिल्ली असैम्बली विच परचा सुटन ते आम आदमी पार्टी दे विधायकां ने अपने वर्करां नूं कुट्टिया, 30 दिन जेल दा हुक्म। मुअत्तल इंस्पैक्टर इंदरजीत तों मिलियां दो AK-47 दा राज हाले तक नहीं खुल्लिया। पुलिस मुलाजमां खिलाफ़ ड्रग केस रद्द करन दी जांच शुरू। साबका SSP ढिल्लों ते केस रद्द करन बदले रिश्वत लए जाण दे लगे सन दोष। अमृतसर दे विरासती मार्ग ते पाणी खड़ा, सांभ संभाल दे कम्मां ते उठे सवाल। बरगाड़ी कांड कमिशन वालों 60 पुलिस अधिकारी ते मुलाजम तलब। अते लुधियाणा दे गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज दे पुराने विद्यार्थियों की हुई एकत्रता। 1992 बैच के विद्यार्थियों ने अपना सिल्वर जुबली वरा मनाया। हुण खबरां दी विस्थार। अक्सर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस बार सुरक्षा बलों के खिलाफ बद जबानी की। एक वीडियो विच उन्हां जवानां दे बारे विच काफ़ी गलत शब्द बोले। वीडियो विच ओह कहिंदे नज़र आ रहे हैं कि महिला दहशतगर्द फौजियों के प्राइवेट अंगां नूं कट के नाल लै गए, इस दे नाल ही शिकायत नहीं कीती। इस तों वध ओह बहुत शब्द बोल गए जिसका चारे पासे विरोध होया ते आजम खान अपने बयान तों उलट गए। आजम ने आख्या कि उन्होंने कदे भी आर्मी का मनोबल तोड़न की गल नहीं कही। आजम का बयान उस वक्त आया जो कुछ दिन पहला छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमलों में शहीद सुरक्षा कर्मचारियों के शरीरक अंग कटे जाने की खबर आईया सन। आजम इस तो पहला भी विवादित बयान देंदे रहे ने। इस तो पहला बुलंदशहर गैंगरेप मामले में उन्हें टिप्पणी की सी। उन्हें घटना के सवाल उठाद्या उसनों राजनीतिक साजिश दसिया। हालांकि तद सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने सवाल किया कि आजम ने बाद विच बिना शर्त माफ़ी मंग ली ते खेड़ा छुड़ाया। जी दोस्तों, नरेंद्र कुगयानवी तो खबर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरीका फेरी ते गए और भारत च कैसे कैसे प्रतिक्रम ने इस फेरी नूं लैके, पाकिस्तान च कैसे ते मोदी दी अमरीका फेरी दियां कुछ झलकां समेत खास मुद्दियां ते केंद्रित करदे आं अज दी इह रिपोर्ट। दुनिया ने सोमवार रात के दो शक्तिशाली देशों के आगुआं नूं मिलदे वेख्या। डोनाल्ड ट्रंप ते मोदी की इस मीटिंग ते पूरी दुनिया की नज़र रही। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप नाल वाइट हाउस के दरवाजे ते मोदी की उड़ीक करते नजर आए। दोवां ने मोदी की खूब मेहमाननवाजी की है, पर इस दौरान एक अजिहा वाकया होया जो सोशल साइट्स से चर्चा का विषय बनया रहा। आखिर की होया? दरअसल नरेंद्र मोदी जदों वाइट हाउस पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप ते मेलानिया उन्होंने स्वागत लई खलोते सन। जदों मोदी की गड्डी रुकी तो गार्ड आए तो सज्जे पासे मोदी लई गेट खोलिया, फिर सलूट किया, पर एक गार्ड गड्डी दे खब्बे पासे गया तो गेट खोलिया। जब मोदी तो कार चो कल्ले ही निकले। हुण इस गल ते सोशल मीडिया ते कहा जा रहा है कि यह गार्ड PM मोदी की पत्नी लई गेट खोल रहा सी, कि यह प्रोटोकॉल सी। हालांकि जरूरी नहीं कि गार्ड ने PM मोदी की पत्नी लई ही गेट खोलिया होए, यह अमरीका की कोई प्रोटोकॉल भी हो सकती है, क्योंकि जो मोदी वाइट हाउस तो वापस जा रहे सन उस समय भी गार्ड ने गाड़ी के दोए गेट खोले तो सलूट किया। प्रधानमंत्री मोदी नूं चौकस कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डवाल ने मीडिया सामने उदों नमोशी तो बचाया जदों वाइट हाउस विखे मीडिया नूं दिते जाण वाले बयान दे कुछ वरके मोदी कोल सामने मेज ते पए सन तां ओह उड़ गए हवा दे तेज बुले च। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भाषण कर रहे सन ते मोदी उन्हां नूं गौ नाल सुन रहे सन। हवा दा बोला आया ते वरके उड़ा के लै गया और उड़ा डवाल साहब सामने बैठे सन। वह उठे तो उन्होंने वरके संभाले तो मोदी नूं फड़ा दिते। मोदी ने फिर मेज ते वरके रख दिते ते हवा फिर आई। एक बार हवा ने नहीं बख्शिया, दूजी वारी फिर उड़ा के लै गई वरके। डवाल ने फिर वह वरके संभाले तो मोदी नूं फड़ाए। अमरीका ने भारत को वड्डे डिफेंस हिस्सेदार वजो कबूल कर लिया है। हुणे ही अमरीका ने F-16 जहाज़ ते भारत के निर्माण को लेकर समझौता किया है। इस तो बाद हुण मोदी के दौरे दौरान अमरीका वालों नेवी लई गार्डियन डोन लई सद्दे नूं मंजूरी मिल गई है।
प्रधानमंत्री मोदी ते अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पलेठी मुलाकात दौरान H-1B वीजे का मुद्दे आस के उल्ट उक्का ही नहीं विचारिया गया। H-1B वीजे बारे ट्रंप प्रशासन वालों लाई आरजी रोक करके भारत अमरीका संबंधा से खतरे के बदल छाए हुए सन। यह क्यास लाए जा रहे सन कि मोदी की अमरीका फेरी दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता नाल दवली गलबात का हिस्सा बनाया जाएगा। भारत ते अमरीका ने पाकिस्तान को सख्त सुनेह में कह सुनाया है कि वह गल यकीनी बनाए कि उसकी धरती सरहद पार ली दहशतगर्दी लई नाम वरत्या जा सके। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री मोदी ते डोनाल्ड ट्रंप ने ISI जैश ए मोहम्मद लश्कर तौबा ते दाऊद कंपनी वर्गे दहशती ग्रुपां खिलाफ़ अपनी सांझी लड़ाई जारी रखने का अहद दोहराया है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को कहा कि अमरीकी बरामदकारी आउंदे अड़िकियां नूं घटाउण लई होर कदम चुकन। इस दौरान भारत अमरीका व्यापार संबंधी वधाउण लई दोवां आगुआं ने अहद भी लिया। दोस्तों एक खास गल जिहड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ते प्रथम महिला मेलानिया नूं रवायती चांदी का ब्रेसलेट ते जम्मू कश्मीर ते हिमाचल प्रदेश के हाथ नाल बुने हुए शाल दे तोहफे दिते। व्हाइट हाउस में परिवार नाल मिलने दौरान मोदी ने ट्रंप नूं साबका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की बरसी मौके भारत वल्लों 52 साल पहला जारी की गई डाक टिकट की असल जिल्द भी पेट की। प्रधानमंत्री दफ्तर वल्लों जारी ट्वीट चक्या गया है कि यह डाक टिकट लिंकन नूं याद ताज़ा करन दे नाल उन्हां दे विचार महात्मा गांधी के विचारां नाल मेल खांदे ने। अमरीकी राष्ट्रपति नूं हुशियारपुर की विशेष तौर पर मीनाकारी नाल बनी लकड़ की संदूकड़ी भी भेट की गई। इस नाल ही कांगड़ा की चाह ते शहद के तोहफे भी मोदी ने दिते। बाद च ट्रंप ने मोदी नूं व्हाइट हाउस राष्ट्रपति रिहायश का दौरा भी कराया जिथे उन्होंने लिंकन का बैडरूम गैस्टिस बाग और दिते मशहूर भाषण की कापी ते मेज़ जिथे वह लिखा करते सन वह भी मोदी नूं विखाए। डोनाल्ड की पत्नी मेलानिया ने $2160 की खट्टे रंगी यानी भारतीय रकम बनती है 1,39,180 रुपए ये पोशाक पहनी हुई सी। भारत अमरीका दोस्ती तो चीन एक बार फिर चढ़ गया है। चीन के सरकारी वाले ने लिखा है कि भारत अमरीका का मोहरा बन रहा है जिसके बुरे नतीजे निकलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ते उन्होंने परिवार को भारत आने का निघा सदा दिता है। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मोदी ने कहा, मैं तुम्हें परिवार समेत भारत आने का सदा दिना, उम्मीद है तुम मैं भारत में अपने स्वागत मेजबानी का मौका दोगे। अमरीका वालों सलाहुद्दीन को कौमांतरी अतवादी ऐलाने जाने के बावजूद भी पाकिस्तान ने सलाहुद्दीन की पिठ थापड़ी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमरीका के फैसले तो बाद जारी एक बयान सलाहुद्दीन अतवादी करार देने दे बेबुनियाद फैसला दसिया। तो पंजाब की गल करिए अमृतसर साहब तो खबर, अमरीका वसदे सिखां ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात विरुद्ध रोस विखावा किया। यह रोस विखावा सिख फार जस्टिस जथेबंदी के झंडे हेठ किया गया। इस दौरान आज़ाद पंजाब नां हेठ रैली भी एक की गई है। पटियाला जिले दीआं समस्यावां नूं लैके आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे DC दफ्तर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के बुलारे डॉक्टर बलवीर सिंह ने दोष लाया कि पटियाले के लोगों ने भारी बहुमत नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिताया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने तो बाद वो लोगों नूं भुल चुके ने। उन्हें आख्या कि कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भी कैप्टन अपने होम टाउन पटियाला नहीं आए। बजट में जिहड़े 500 करोड़ रुपए रखे सन उस विच सब तो ज़्यादा 200 करोड़ इतिहासक किला मुबारक दे सुरक्षित लई रखे गए ने। उन्हें आख्या कि अफसोस इस गल दा कि शहर के लोगों नूं बुनियादी समस्यावां वर्गियां कमियां दूर करन सीवरेज जाम ते कई होर समस्यावां दा कोई हल नहीं किया गया। बहुत वड्डे घाटे दे बोझ हेठां जा रही सरकारी हवाई कंपनी एयर इंडिया निजी हत्थां विच चली जाएगी। केंद्र सरकार ने इस कंपनी विचों अपनी हिस्सेदारी वेचण दा फैसला कर लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग विच इस आस दे एक प्रस्ताव नूं मंजूरी दित्ती है। कंपनी ते 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। फिलहाल ये सरकार वालों मुहैया कराए गए 30,000 करोड़ के बेलआउट पैकेज के सहारे चल रही है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग तो बाद अरुण जेटली ने आख्या कि सरकार ने एयर इंडिया विचों अपनी हिस्सेदारी वेचण ते सिद्धांतक सहमति प्रगट की। किन्नी हिस्सेदारी वेची जाएगी, किन्ना प्राइवेट कंपनी का निवेश होएगा, इसका फैसला एक कमेटी करेगी। कैबिनेट के सामने एयर इंडिया नूं घाटे तो कढ़न लई 2 प्रस्ताव आए सन। अकाली सरकार वल्लों बनाए गए पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने साबका SSP मोगा समेत कुछ सीनियर अधिकारियों खिलाफ़ 3 पुलिस मुलाजमान नूं नशा तस्करी केस विचों कढ़न बदले रिश्वत लैण दे दोषां दी जांच शुरू कर दित्ती है। इन्हां मुलाजमान दीआं पहलां सेवावां समाप्त कर दित्तियां सन, पर बाद विच जिला पुलिस ने केस रद्द करन बारे रिपोर्ट दाखिल की। 2013 विच 3 पुलिस मुलाजमान खिलाफ़ दर्ज होए केस दे
मदद बदले मोगा दे उस समय दे एसएसपी कमलजीत सिंह ढिल्लों उत्ते कथित तौर पर 40 लाख रुपए रिश्वत लैण का दोष लगा सी। मोगा पुलिस ने मुलजमान खिलाफ 180 दिन अंदर चलान पेश नहीं किया। थानेदार जरनैल सिंह ने दोष लाया कि देर नाल चलान करन अते इस केस नूं रद्द करन बारे रिपोर्ट दाखिल करन ते उसने एसएसपी ढिल्लों नूं 40 लाख रुपए दिते सन। बाद विच कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के दखल नाल यह राशि वापस ली। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसे हफ्ते जांच शुरू की। एसएसपी ढिल्लों नूं तलब किया गया। ढिल्लों ने दस्सिया कि वह मुलजम नहीं पर इस केस विच असल तत्थ लभण विच पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मदद कर रहे ने। उन्हें आख्या कि इन्हां तिना मुलाजमान खिलाफ केस उन्होंने मोगा के तबादले के 1 साल बाद रद्द होए ने। आई जी अपराध LK यादव वालों केस की जांच की जा रही है। उन्होंने किसी भी टिप्पणी करने तो इनकार किया। 4 साल पुराने इस मामले में नवे सिरे जांच IG बठिंडा जोन MS छीना जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार से नशा तस्कर की मदद का मामला बेपर्द किया सिफारिशों तो शुरू होया। इस रिपोर्ट से कार्रवाई करद DGP सुरेश अरोड़ा ने पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीनियर अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिता। नशे ते हथियारों समेत गिरफ्तार किए इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह के मामले संबंधी STF अधिकारियों वालों मोगा के SSP राजजीत सिंह हुंदल पासों की पुछ पड़ताल दसूए हल्के चर्चा का विषय रही है। 1980 एक दहशती हमले में राजजीत हुंदल की माता ते भैण मारे गए सन। अतवाद पीड़ित कोटे में हुंदल पंजाब पुलिस में इंस्पैक्टर भर्ती हुए। हुंदल के पिता भी पंजाब पुलिस में बतौर DSP सेवामुक्त होए सन। हुंदल ते इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह की मदद करन दा कथित तौर पर दोष लग रहा है। अगस्त 2013 विच हुंदल अपनी बेटी नूं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट में MBBS विच दाखला दवाउण लई कथित तौर पर अपने ही मौत का सर्टिफिकेट बनाउण दे मामले में कसूते घिर गए सन। उस वेले ये तरन तरन विच बतौर SSP लगे हुए सन। दसूआ के कांग्रेस आगू मनमोहन अरोड़ा ने आख्या कि सब तो वड्डी गल है कि विवादों विच घिरण के बावजूद अकाली दल भाजपा सरकार ने हुंदल का नाम पुलिस मैडल नाल सन्माने जाने वाले की सूची में शामिल कर दिता सी। अरोड़ा ने आख्या कि शक्की पुलिस अफसर उत्ते नज़र रख के इन्हां खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए है ता जो पहला पुलिस विभाग भी बेदाग हो सके। दूजे पासे ड्रग के केस में बर्खास्त इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह के केस में DGP सुरेश अरोड़ा के हुक्मों तो बाद मालखाने में चल रही चैकिंग में नवा खुलासा होया। थाना करतारपुर के मालखाने तो अतवाद के दौर में जब्त की 2 AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਥਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ SHO ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੱਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। सब तो वड्डा सवाल यह है कि 20 सालों तो थाने के मालखाने की चैकिंग हुई सी या नहीं, जां पुलिस जानबूझ के इस मामले नूं नप्पी बैठी रही। तुहानूं याद होना कि STF ने 12 जून ड्रग के मामले में इंद्रजीत नूं गिरफ्तार किया। कई बार वह थाना करतारपुर में बतौर SHO तैनात रहा। उसकी अंतिम तैनाती 2012 तो लैके 2013 सी। इंद्रजीत के घर तो सरकारी क्वार्टर तो 2 AK-47 मिलने तो बाद DGP वालों ये हुक्म जारी किए। सूबे के सारे थाने के मालखाने की चैकिंग करवा के हैडक्वाटर विखे रिपोर्ट भेजे जाने की गल कही। इस विचकार इंद्रजीत ने आख्या सी कि उसनों मिली 2 AK-47 सरकारी राइफलें। STF ने सारे SSPs नूं चिट्ठी लेके इंद्रजीत तो मिलिया AK-47 का ब्यौरा मंगया सी। अमृतसर विखे 2 दिन पे मीह करके विरासती मार्ग से पानी भरन सांभ संभाल के काम से सवालिया चिन्ह लग गया है। पिछली सरकार दे ए प्रोजेक्ट सी जिससे करोड़ों रुपए खर्च किए। टाउन हाल तो लैके दरबार साहब तक के लगभग 1 किलोमीटर लंबे मार्ग में विशेष दिख दिखी दिती गई सी। इसनों सिर्फ पैदल यात्रियों वास्ते खोलिया सी पर हौली हौली इसनों कुछ हद तक 2 पहिया ते 4 पहिया वाहनों वास्ते भी खोल दिता। इस मार्ग की सांभ संभाल लई विशेष प्रबंध किए सन। वर्खा करके विरासती मार्ग से वधेरे पानी खड़ा हो गया जिस नाल लोगों नूं मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। PWD के XCN जिन्हां दी निगरानी विच इह विरासती मार्ग बनिया सी उन्हां आख्या कि 2 दिन भारी मीह पिया इस करके कुछ समय लई पानी इकट्ठा होया जिस तों बाद पानी का निकास किया गया। दिल्ली विच भी पानी भरन दे हर साल की समस्या के निपटारे नूं लैके दिल्ली सरकार वल्लों
तीन मंत्रियों की जिम्मेवारी पानी भरन की समस्या के हल लाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दक्षिणी दिल्ली की ड्रेन साफ ना करके झाड़ पाई सी इस नागरिकों नाल जुल्म करार दिता सी। दिल्ली में मानसून दौरान पानी भरन की वड्डी समस्या बन जाती है जिस नाल आम जिंदगी की समस्या के नाल नाल दिल्ली में वड्डे वड्डे ट्रैफिक जाम लगते ने। बरगाड़ी कांड ते बेअदबी नाल संबंधित मामले की जांच कर रहे जस्टिस सेवामुक्त रणजीत सिंह कमिशन ने 60 पुलिस अधिकारियों ते मुलाजमान अपने बयान दर्ज कराने लई समन जारी किए ने। एक आई जी, दो मौजूदा SSP ते एक उस समय के डिप्टी कमिश्नर नूं बयान दर्ज कराने लई कहा है। सारे पुलिस अधिकारियों ते मुलाजमान नूं जुलाई के पहले हफ्ते पेश होने लई कहा है। आई जी ते एक होर अधिकारी नूं दूजी बार समन जारी किए क्योंकि पिछली पेशी दौरान वह हाजिर नहीं सन होए। इस कांड दौरान धरने पर बैठे दो जने पुलिस गोलाबारी में मारे गए सन। अकाली भाजपा सरकार ने बरगाड़ी कांड की जांच लई एक कमिशन कायम किया सी जिसने अपनी जांच विच आख्या सी कि गोलीबारी और अणगहली लई पुलिस जिम्मेवार है पर उन्हां किसी भी पुलिस अधिकारी की जिम्मेवारी तय नहीं सी कीती। मौजूदा कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने पंजाब विधानसभा चोणां समय ऐलान किया सी कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर बरगाड़ी कांड के मुलजमान सजावं दवाने लई कमिशन कायम किया जाएगा ते कैप्टन ने सत्ता संभालण तो एक महीने में पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के सेवामुक्त जज जस्टिस रणजीत सिंह की अगवाई हेठा कमिशन कायम कर दिता सी। देश के मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेजों विचों गिने जाते लुधियाने के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के पुराने विद्यार्थियों ने अमरीका विच भी एलमनी की स्थापना की। इस मौके करवाए समागम विच लुधियाने तो पढ़ के विदेशों में सफल जीवन बतीत कर रहे विद्यार्थी वड्डी गिणती में शामिल होए। साल 1992 साल के पास आउट विद्यार्थियों ने अपने सिल्वर जुबली वरे दी यादां नूं ताज़ा किया ते एक विशेष समागम करवाया। गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के सबका विद्यार्थियों ने अपने 25 वरियां दे सफर दीयां यादां नूं ताज़ा करदिआं अपने मित्रता अते स्नेह दीयां गल्लां सांझीयां कीतीआं। अमरिंदर सिंह गरेवाल वल्लों दित्ती जानकारी मुताबक समागम विच 1983 बैच के इंजीनियर विद्यार्थी अते मौजूदा मैंबर पार्लीमेंट कैनेडा सुख धालीवाल मुख मेहमान पहुंचे। सुखचैन सिंह संधु, बलदेव सिंह धालीवाल, मनप्रीत सिंह गिल, तजिंदर सिंह बैंस, जशनदीप सिंह संधु, सरबजीत सिंह संधु, प्रदीप सिंह, संदीप सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिंह गरेवाल, हरबंस सिंह गिल, मनमोहन योद्धा सियाटल ते गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के पुराने विद्यार्थी ते समाजिक शख्सियतां वड्डी गिणती विच हाजिर सन। पंजाब विच मानसून तो पहला पई वर्खा ने पिछले दो दिनों तो पै रही हुमस भरी गर्मी नूं ठल पा दित्ती। किसानों विच इस वर्खा नाल किते खुशी ते किते गमी वाला माहौल है। झोने की बिजाई करने वाले किसान काफ़ी खुश है। मक्की की काश्त करने वाले किसानों का भारी नुकसान होने का खदशा है। मीह ने मौसम सुहावना बना दिता है। पिछले दो दिनों तो हुमस ते गर्मी ने शहरियों के वट कढ दिते सन। कुछ थावां ते हल्की तो दरमियानी वर्खा हो रही है। खेतीबाड़ी माहरां अनुसार झोने की बिजाई कर रहे किसानों लई मीह लाहेवंद है ते इस नाल झोने की बिजाई नूं गति मिलेगी। मीह नाल मक्की दे किसानों नूं घाटा झलना पै सकदा है। पंजाब ते हरियाणे विच मानसून आउंदे तीन दिनों विच दस्तक देण वाला है। इस दौरान प्री मानसून ने रंग ला दित्ते ने। बहुते थावां ते पिछले 24 घंटिआं तों रोक रोक के मीह पै रिहा। मालवे नालों माझी अते दुआबे विच मीह वधदा है। राजस्थान अते उत्तर प्रदेश पार करके मानसून अगले एक हफ्ते तक मीह दी भविखबाणी होई सी। सौणी दी फसल दे अनुकूल होण दे बावजूद मौसम इस बार झोने दी लुआई पछड़ के चल रही है। किसानां नूं बिजाई लई मजदूर लभणे औखे हो गए ने। खेतीबाड़ी विभाग ने इस बार झोने लई 24.45 हैक्टेयर रकबा मिथ्या है। बासमती वास्ते 5 लाख हैक्टेयर का रकबा रख्या गया। विभाग ने 2.25 लाख टन झोने की पैदावार की आस है। किसान झोने की नवी वनगी PR 126 नूं तरजीह दे रहे ने। पंजाब डायरी विच अज दे प्रोग्राम लई बस इन्ना ही। मिलते हैं कल। सत श्री अकाल।